पेट में हो रहा था रात से दर्द, जो कि मैं कंट्रोल करके सो रही थी, लेकिन सुबह सुबह कुछ ज्यादा होने लग गया। सुबह उठो तो जल्दी, तुम लोग नाश्ते करो ना, नींद ही तुम लोगों की 11-11 बजे उठ के अभी मेरा मुंह नहीं खुलवा देना लोग। अपनी ही सेल्फ केयर करने के बाद बारी आती है काम करने की, क्योंकि वर्क शुड बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So, लगाते हैं स्टिकर्स, इसको मैं बोल रही थी सारे स्टिकर्स से कुछ लैपटॉप पे, ये ट्यूशन गए हुए थे और अभी आए हैं ट्यूशन से। ये देखो आके कैसे बैग फेंक है, वाह पढ़ते हुए अच्छे लगते हो। Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to another day, another vlog and another video. So guys, अभी जो है morning हो गई और मैं अभी उठी हूँ और अचानक से light चली गई। 2-3 बार ऐसे हुए light आ रही है जा रही है। So अब मैंने कहा चलो सुबह उठी गई हूँ। सुबह क्यों उठी हूँ बताती हूँ ये भी आपको, क्योंकि मेरे पेट में हो रहा था रात से दर्द, जो कि मैं कंट्रोल करके सो रही थी, लेकिन सुबह सुबह कुछ ज्यादा होने लग गया, तो मैंने मेडिसिन ली फटाफट से और वो खाई। अब ठीक है, बेहतर है। तो इनके लिए नाश्ते वाश्ते बन रहे हैं, ये रहे इनके नाश्ते वाश्ते प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मतलब प्रिपेयर क्या हो रहा है, हो गए हैं, लेकिन ये बच्चे उठने का नाम नहीं लेते। तो स्कूल जाने में इनका वैसे ही दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह आपको वैसे ही मतलब कि इतना ज्यादा वो होता है कि दिल ही नहीं करता सुबह स्कूल जाने को। सो मम्मा इनके लिए नाश्ता वाश्ता बना रही हैं और अभी मम्मा जरा थोड़ा अंदर से चीजें वगैरह समेटती हुई हैं, फिर मम्मा इनके लिए दोबारा इलाइजा उठेगा तो उसके लिए भी नाश्ता बनाएगा। और सेकेंडली ये के अभी जो है मैंने कहा चलो सुबह उठ ही गई हूँ तो मैं भी सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ, लगे हाथ फिर नाश्ता करके फिर सो जाऊंगी। सो आ जाओ खाना वाना खाना बोल रही, नाश्ता कर लो। इनकी बोतल की वजह से लड़ाइयाँ चल रही थी, के वो कह रही थी वो ये मेरी बोतल है और ऐशु कह रही थी, क्या वो कह रही थी मुझे ये लेके जानी है, इनकी दोनों की बोतल है लेकिन ये इस बोतल की वजह से लड़ाई करती है ना, क्योंकि इसमें पानी पूरा दिन आप रखोगे पूरा दिन ठंडा। मैंने अपने नेल्स काट दिए और जो ये नहीं छोटा भी बेहतर होगी। सो बैतल भी तैयार होगी ये स्कूल जाने के लिए, है ना बैतल। व्लॉग भी बना दो, सुस्ती को जरा भगाते हैं क्योंकि इतना टाइम हो रहा है। मैंने व्लॉगिंग जो है अपनी थोड़ी सी स्किप की हुई है, लेकिन अब कोशिश करूंगी कि मतलब डेली डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये लड़की सुबह सुबह हो गई है तैयार ये देखो स्कूल जाने के लिए। पता नहीं क्यों सुबह में मूड बंदे का अजीब सा हो रहा होता है और स्कूल भी जाने को दिल नहीं करता है ना। स्कूल तो खैर इसका वैसे भी जाने को दिल नहीं करता है ना। और ये देखो मम्मा इनके लिए बना रही है नाश्ते, ये अंडे, और जबकि इन्होंने खाना नहीं है, है ना, खाओगे नहीं, बस मतलब मेहनत सुबह सुबह मम्मा से हमारी से करवा रही है। तो खाना सुबह सुबह नाश्ता करना अच्छी बात होती है ना। नाश्ता करके फिर सो जाऊंगी, फिर उठ के थोड़ा काम वाम करेंगे और वो भी आप सब दिखाएंगे कि मतलब सारा दिन आज मैंने किया क्या। मेरा बनाने को नहीं कर रहा दिन इस साल का। तुम लोग सुबह उठो तो जल्दी तुम लोग नाश्ते करो ना, नींद ही तुम लोगों की 11-11 बजे उठ के अभी मेरा मुंह नहीं खुलवा देना लोग, अपने कच्चे चिट्ठे खुलवा लोगे तो क्या उसको कहते हैं। ये उठते ही सुबह 10:30-11 बजे, क्योंकि अब जो लास्ट वीक गुजरा उसमें इतनी ज्यादा छुट्टियां हुई हैं, कभी कोई छुट्टी दे दी कभी कोई छुट्टी दे दी गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से अब इनका दिल नहीं कर रहा। लेकिन मम्मा इनको जो है भेज रही है, कुछ भी कर लो स्कूल तो जाना पड़ेगा। वो दूसरी मैडम भी इधर तैयार हो रही है, ये देखो दूसरी वाली लड़की भी तैयार हो रही, पोनी बना रही है और ये ऊपर काली मिर्च छिड़की जा रही है। जैसे हम जख्मों पे नमक और काली मिर्च छिड़कते हैं ऐसे हम अंडे पे भी छिड़कते हैं। ब्लर हो के बैतल, मजा आ रहा है आपको स्कूल में? बैतल ने 2 पोनियां बनाई हैं। इथन तैयार हो गया? नहीं नहीं,
उसका दिल नहीं कर रहा होगा जैसे ऐशु का दिल नहीं कर रहा। ऐशु भी ले जा रहे क्या? ठीक सभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ और सुबह सुबह मैं उठी हूँ और मुझे ऐसा मतलब मैंने देखा है, फील किया है कि सुबह सूरज भी क्या निकलता है ना, यही था ना। मैंने एक वीडियो में देखा था सुबह उठ के जो है मतलब कोई वीडियो में लड़का जो है या कोई लड़की ऐसी था XYZ, तो सुबह सुबह उठा कोई और बोला कि सुबह उठ के मैं पहली बार आज सुबह उठी और देखती हूँ कि सूरज भी उठता ही है। गैबो क्या कहना है आपका? आप तो उठती 10 बजे 11 बजे ये इनको पैसे मिल रहे हैं, ये इनको पैसे मिल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। इसको तो मम्मा 1 रुपया नहीं देना, मम्मा इसको 1 रुपया नहीं देना। सो अभी मैंने भी चलो मैंने कहा मैं भी नाश्ता सुबह उठती हूँ करी, तो यूजुअली मैं नाश्ता नहीं करती क्योंकि मैं उठती दोपहर और शाम के दोपहर और सुबह के दरमियान में हूँ, तो फिर लंच का टाइम हो जाता है तो मैं लंच ही डायरेक्ट कर लेती हूँ, साथ में जो है अंडा और ये रात को हमने दाल कीमा बनाया था मैंने कहीं भी खाते हैं साथ में, दो दो चस्के लगाना तो वो है, और साथ में ये मेरी मम्मा भी पराठे दाल टैंक साथ में ये जूस टैंक जूस। मैंने नाश्ता वाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आज आई स्पेशल हो जाए, आज बड़े दिनों बाद मतलब काफी दिन बाद जो है मैं इसमें आइस में फेस डिप कर रही हूँ, है ना मम्मा? तकरीबन कितने 2-1.5 हफ्ते के बाद, है ना? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है, जैसे अपना रूटीन से थोड़ा सा जो है स्किप किया हुआ था, तो फटाफट से करते हैं इसमें फेस डिप एंड देन फिर। सो फिर मैं करूँगी अपना ये नाइसिनामाइड यूज क्योंकि इसकी हालत डब्बे की बहुत ज्यादा खराब हो रही होगी जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इस वजह से क्योंकि सूजी का और मेरा जो है दोनों के हम दोनों के सीरम में मिक्स ना हो, इस वजह से मैंने अपने ऊपर वाले का जो है कैप ऊपर से इसको जो है हटा दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा वाला दूसरे से क्या। सो मेरी स्किन अब हो रही है थोड़ी थोड़ी सी मतलब कि रेड सी हो रही है क्योंकि अभी मैं फेस मैंने निकाला है उसमें से वाटर में से, तो अभी मैं लगाऊंगी अपना ये नाइसिनामाइड। यही मेरी रूटीन है मतलब कि जब जो मुझे टाइम मिलता है बीच में स्किन केयर करने का कुछ भी करने का, तो ये सूजी देखे पीछे सो रही है, स्किन केयर करने का कुछ भी करने का तो मैं साथ साथ कर लेती हूँ सारा काम। तो अभी ये सब करने के बाद हैं फटाफट इसको अप्लाई क्योंकि स्किन अभी जो है रेडेड है तो इस पर अभी अप्लाई कर लेते हैं, तो फटाफट से करती हूँ इसको अप्लाई स्टेट। साथ में ही सेल्फ केयर करने के बाद बारी आती है काम करने की क्योंकि वर्क शुड बी आल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड अब जो है ये काम वाम करने की बारी आ गई, मैंने कहा काम करते हैं। ये थोड़ा सा हमें जो है फैक्टोरियल का जो है सी शार्प, अब मैं सी शार्प लैंग्वेज पे हूँ, मेरी PHP भी हो गई है, JavaScript भी हो गई है एंड पाइथन अभी नहीं हमने पढ़ी, अब थर्ड पर सी शार्प पढ़ूँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड उस पर हमें बनाना है ये कैलकुलेटर ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप लोग को पता ही होगा कि मतलब क्या होता है, और जिनको नहीं पता वो देख भी नहीं पढ़ भी नहीं। सो अभी मेरा ज़रा फैक्टोरियल पे थोड़ा सा चल रहा है, सो गाइस स्टे ट्यून, काम वाम करने के बाद आप लोगों से होती है बातचीत, और साथ में हमने बनाने हैं नोट्स तो देर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी जब तक खाना वाना भी बन जाएगा, और मामी जा रही हैं बच्चों को लेने, है ना मामी? बच्चों को लेने जा रही हैं, और मैंने जो है अब मास्क वगैरह वो सीरम वगैरह जो है वॉश कर लिया, थोड़ी देर लेटी थी मैं 5-10 मिनट एंड देन मैंने कहा कि नहीं अब काम करना है, 1.5-2 घंटा काम करेंगे आराम से बैठ के, कुछ प्रैक्टिस भी करनी है, काम भी करना है, असाइनमेंट्स भी करने हैं। सो ये काम वाम करने के बाद आप लोगों से बातचीत होती है एंड स्टे ट्यून्ड गाइस।
काम वाम से फारिक और ये देखो जब चीजें लेकर आई है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह मैंने मंगवाई थी और ये मकई मैंने इससे मंगवाई थी और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी मैंने इससे और मकई मंगवाई थी तो फटाफट से इसको खाते हुए लड़की देखो पिंक से अपने पूरे कपड़े गंदे कर आई है दिखा पेन गोद में रख के बैठी हुई थी A few moments later. Okay, so अभी मैंने ये ऑर्डर किए थे ये ब्लैक पिंक के स्टिकर्स क्योंकि मेरा बैग जो है ये भी ब्लैक पिंक का ही है तो ये ड्यूरिंग एक्सीडेंट के दौरान तो मतलब उसके बाद ये ऐसा ख़राब हुआ है इसको फिक्स करने की कोशिश भी की है लेकिन ये नहीं हो रहा है इतना महंगा एक्सपेंसिव बैग है और वो भी अक्का ने गिफ्ट किया है ना वो तो मतलब कि थोड़ा सा है लेकिन वो ना देखने से फील होता है तो मैंने कि इसके पॉकेट्स पे क्यों ना स्टिकर लगा लिया गया ये है भी मतलब कि ब्लैक पिंक का बैग ही है तो मैंने कहा ब्लैक पिंक के स्टिकर्स ही लगा लेते हैं इसको थोड़ा सा करते हैं रिक्रिएट बैग को जहाँ जहाँ ऐसे मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा है तो मतलब पॉकेट पर ये ज़्यादा मसला बाकी कहीं और नहीं है सो लेट्स क्रिएट सो लगाते हैं स्टिकर्स इसको मैं बोल रही थी सारे स्टिकर्स कुछ लैपटॉप पे ट्यूशन गए हुए थे और अभी आए हैं ट्यूशन से ये देखो आके कैसे बैग फेंकते वाह पढ़ते हुए अच्छे लगते हो तो चलो अभी इस पर लगाते हैं जल्दी स्टिकर्स और फिर फाइनली मेरे स्टिकर्स हो गए डन लैपटॉप पे भी लगा दिए और ये जो सामने लैपटॉप पड़ा है इस पर मैंने अभी ब्लैक पिंक के लगाए ये तो वो लैपटॉप है जो मैं रिसेंटली अभी मतलब यूज कर रही हूँ सो ये है वो लैपटॉप तो ये दोनों मेरे हैं लेकिन मैं सूजी को दिया कि नहीं तुम इस्तेमाल करो यूज करो इसको नहीं तो ये पड़ा पड़ा जो है बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा और ये बैग पे भी मैंने लगा लिए थोड़ी देर पहले और मतलब मैं पूरी दोपहर ऐसा सोई हूँ कि मतलब मुझे भूख भी नहीं लगी खाना भी नहीं मैंने खाया दोपहर का और मैं मतलब काम वगैरह करने के बाद ऐसा सोई हूँ कि कुछ था ही नहीं मुझे होश तो उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले मैंने स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं बैग पे उसके बाद मुझे ख्याल आया मैं तो दोपहर की सो रही थी तो ज़्यादा थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं मुँह वगैरह धुलते हैं थोड़ी होश वोश आए अभी खाना खा ले तुमने ऐसे खाना कुछ भी नहीं खाया तो बस खाना खाते हमने आज कलेजियां शलेजियां बनाएंगे क्योंकि जो है दो चीजें बनी हुई एक हमारे घर में आलू और एक कलेजिया तो दूसरा ऑप्शन मैंने चुना समझा बैंगन से अच्छा मैंने कलेजियों को जो है चूज कर लिया है ना सो अभी जो है इलाइजा लोग बच्चे बच्चे खाना खा रहे हैं और इसके बाद मैंने कहा फेस वॉश करते हैं थोड़ा क्या नहीं मैंने नहीं खानी बिरयानी मेरे ना गरम मसाला होता है ना बहुत ज्यादा तो पेट में अजीब सा होता है क्रैम्प्स पड़ता है तो आज मैंने कहा थोड़ा सा लाइट ही खाते हैं दोपहर में मैंने मकई खा ली शायद उसकी वजह से भी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है फिर फाइनली बारी आती है खाना वाना खाने की तो ये मेरी मामा हौसले से मुझे देख के आज तो इसको यही खाना पड़ेगा तो फिर फटाफट से मैंने खाना वाना खाया और एक लड़की ये दूसरे तीनों ही लाइन पे लग के टैबलेट और फोन देख रहे हैं मतलब इतना बिजी बिजियां देखो जरा और वो मेरी मामा ये देखिए ये मेरी मामा एज ऑलवेज काम करते हैं सो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कमेंट शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय